जी आज LLB के जो स्टूडेंट और उनको डिग्रियां दी गई हैं, PhD के कुछ स्टूडेंट उनको भी अवार्ड दिया गया है, तो क्या कहना है? एक लोकल यूनिवर्सिटी होने के नाते कितना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है? देखिए, आज कैथल के अंदर जो नीलम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आज डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन था उसमें मैं आज यहाँ आया हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नीलम यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मामले में कैथल को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, आज हमने यहाँ डिग्रियाँ भी वितरित की। और सबसे पहले मैं सभी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बधाई देता हूँ और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो मेहनत करें और एक उज्जवल भविष्य उनका बने। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीलम यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आज लगभग 100 के करीब लोगों ने यहाँ जो PhD की और लॉ की जो डिग्री प्राप्त की है, और इससे जो कैथल के अंदर जो शिक्षा का जो स्तर है वो और ऊंचा होगा। और मैं पूरी नीलम यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने कैथल के अंदर इस प्रकार की शिक्षा की अलख जगाने का काम किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी ये यूनिवर्सिटी इसी प्रकार से निरंतर कार्य करते हुए इस कैथल जिले को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाने का काम करेगी। लोकल पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी किसी भी एरिया में कोई इंस्टीट्यूट स्थापित होता है तो एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है हाई होता है। देखिए, मैं कैथल के लोगों से भी ये अपील करूंगा कि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े के फायदे की बात है कि ये यूनिवर्सिटी कैथल के अंदर यहाँ स्थापित हुई है। तो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके वो अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी के कारण आज कैथल के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से कोर्सेज हैं और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेकर यहाँ पढ़कर हम बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं और जो कैथल है इसे के मामले में और आगे ले जा सकते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनका जो थ्रस्ट है वो एजुकेशन को थ्रू कम्युनिटी देखती है। तो जिस तरह से मनीष जी, जो यहाँ के जिला परिषद और कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने समय निकाला, उनके साथी जो समाज के लिए, शिक्षा के लिए और बहुत सारे फील्ड में अपना सामाजिक योगदान देते रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आने वाले समय में जो हम इस नीलम यूनिवर्सिटी को जो देखते हैं वो बाई कम्युनिटी एंड फॉर कम्युनिटी देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स भी कम्युनिटी को जाएंगे और हम जो भी प्रोग्राम अभी चल रहे हैं और आगे भी हम जो सोचेंगे वो वही प्रोग्राम्स होंगे जो यहाँ की कम्युनिटी चाहेगी। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू ये आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी दिशा में जाने वाली है। मैं बस यही निवेदन करूँगा कि अगर एम्पावरमेंट को समझना है तो दैट कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू एजुकेशन, एंड वी आर हियर टू एम्पावर वन एंड ऑल, बिकॉज वी आर लकी दैट दिस यूनिवर्सिटी, विच इज़ ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इज सिचुएटेड इन द रूरल एरिया। ऑन द अदर हैंड, ऑल द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन हरियाणा, दे आर पॉकेटेड इन NCR रीजन, सो द रियल फ्रूट्स आर गोइंग टू कम फॉर द पीपल ऑफ दिस वेरी रीजन। सो आई एम रियली थैंकफुल दैट दे कुड स्पेयर टाइम, दे हैव कम हियर, एंड स्पेशली टू स्टूडेंट्स हु हैव बीन एम्पावर्ड विद द डिग्रीज इन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, स्पेशली लॉ, विच इज रियली ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डिग्री, एज वॉज सेड बाई मनीष जी, दैट दे हैव लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग देयर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो थैंक यू वेरी मच। देखिए, PhD की डिग्री सिर्फ ऑनरेबल ही नहीं होती है, PhD इज समथिंग विच अ स्टूडेंट की एक ड्रीम होता है। वो जब पढ़ाई कर रहा होता है उसका एक ड्रीम ये होता है कि इफ ही हैज टू गो फॉर एनीथिंग इन लाइफ, तो PhD डॉक्टरेट जो है ना उसका एक ड्रीम होता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि PhD का मतलब ये है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक रिसर्च कंप्लीट करके एक आपने उसको कंक्लूड किया और उस कंक्लूजन को एक आपकी इंस्टीट्यूट ने
उसको रिवार्ड के रूप में आपको वो डॉक्टरेट की डिग्री दी जा रही है. दैट मीन्स यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग एज वेल एज टू द एजुकेशन एज वेल एज टू द पीपल हु आर गोइंग टू बेसिकली टीच और टीचिंग और स्टूडेंट्स. तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको एक फाइंडिंग मिली, उस फाइंडिंग के अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में भी हो जाते हैं और टीचिंग में भी हो जाते हैं और आपका एक लाइन क्रिएट हो जाती है. सो दैट इज बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पीएचडी होल्डर टू द इंस्टीट्यूशन और टू द एजुकेशन फ्रेटर्निटी. ये मैं उसको कंक्लूड करता हूँ इस तरीके से. तो सर जैसे कि कैथल यूनिवर्सिटी रूरल एरिया में है और लोगों को कैथल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिस एरिया में यूनिवर्सिटी होती है वहाँ के लोग अगर उसका फ़ायदा उठाएं तो एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है वहाँ का हाई हो सकता है. नहीं नहीं, आपकी बात बहुत बढ़िया, पर आज के दिन ये रूरल अर्बन इस क्योंकि बहुत एक तो ग्लोबल विलेज हो गया, ये वर्ड आपने सुना होगा. अब ये ग्लोबल विलेज है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आपके पास है. आपके लिए आपको गूगल मैप से ये पता लग जाता है कि मैं 5 मिनट में यहाँ हूँ और 15 मिनट में वहाँ हूँ, तो कुछ भी चीज़ नहीं है. पर हाँ, आपका जो कहना ये है कि आप नाइस यूनिवर्सिटी में आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई इसका जो मैंने परिवेश देखा और मेरा इंटरेक्शन अभी स्टूडेंट से होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और एक बहुत अच्छी शुरुआत इस इलाके में हुई है. और आसपास के बच्चों को मेरा कहना यह है कि उस स्पेशलाइजेशन के लिए जो भी इस यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन दे रही हैं उसमें ज्वाइन करें, आएं, पढ़ें और समाज में जाकर अपना कंट्रीब्यूशन दें. भावी मीडिया कर्मियों को क्या समझे? एक बहुत मोटी बात यह है कि भावी मीडिया कर्मी एक चीज़ का जरूर बैलेंस के तौर पर याद रखें कि जब भी कोई काम करें उसके दोनों पक्षों को लेके उसका एक ओपिनियन क्रिएट करें. ये मेरा मानना है. थैंक यू.